दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड के सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था और इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की सुबह पर थे। कहते हैं कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अमिताभ ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल में उनको अपना मानती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी के बारे में। हेलो दोस्तों, ऑनटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ कई फिल्में करने के बाद पूरी रजामंदी से शादी की। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर किसी की एंट्री ने इनकी खुशहाल जिंदगी में तूफान सा ला दिया। कहते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस रेखा थी, जो पति पत्नी के बीच वो बनकर आ गई। दो अनजाने फिल्म में रेखा और अमिताभ की जोड़ी पहली बार साथ दिखी। तब दोनों के बीच कुछ नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों साथ काम करते रहे और यहीं से इनके बीच नज़दीकियाँ आना शुरू हो गई। उस वक्त अमिताभ और रेखा एक दूसरे के साथ हर फिल्म में नजर आने लगे थे, लिहाजा सेट से इनके प्यार की खबरें हर किसी के कानों तक जाने लगी। कहते हैं कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुँच गई। कहते हैं तब मीडिया में अफवाह फैल गई कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर व मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बसरलुकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया, जिसके बाद ही दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया बच्चन पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है, कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह किसी दूसरे से प्यार करता है। जब दोनों के अफेयर की खबरें आप की तरह फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया बच्चन के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया। तब रेखा को लगा कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म में एक साथ काम किया था, उसके बाद दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आए। लोगों का कहना था कि सिलसिला फिल्म अमिताभ रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गई। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नज़र ही चुराते नज़र आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।